जल जीवन हरियाली योजना के तहत पंचायत के मुखिया जी को अपनी पंचायत में अनेकों काम करवाने हैं, जिसमें पंचायत में आने वाले कुएं के जीर्णोद्धार का काम भी मुखिया जी को करवाना है। लेकिन धरातल पर मुखिया जी के कुएं के जीर्णोद्धार के नाम पर मालामाल हो रहे हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा बेगूसराय जिले के चिड़िया बरियारपुर पंचायत के वार्ड 2 स्थित फसियारी कुएं के जीर्णोद्धार के नाम पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पंचायत के मुखिया ने कुएं को बिना साफ सफाई करवाए सिर्फ 8 से 10 फीट प्लास्टर कर जाली लगाकर कुएं के जीर्णोद्धार के कार्य को पूरा मान लिया, जिसका विरोध पंचायत की जनता कर रही है। पंचायत की जनता बताती है कि मुखिया जी ने थोड़ा बहुत काम करके कुएं के जीर्णोद्धार का कार्य पूरा मान लिया और शेष राशि डकार गई। कुएं पर जीर्णोद्धार के कार्य से संबंधित किसी भी प्रकार का बोर्ड नहीं लगा हुआ है कि किस योजना से इस कुएं के जीर्णोद्धार का काम हुआ है एवं कितनी राशि इस पर खर्च हुआ है। पंचायत की जनता के अनुसार यह कुआं अपने आप में एक विशेषता बनाए हुए हैं। उनके अनुसार यह कुआं ऐतिहासिक है। यह कुआं माता जयमंगला के मंदिर के सीमाने पड़ता है। इस कुएं के पानी को पीने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस कुआं के पानी पीने से लोगों का घेंगा रोग एवं जोंडिस रोग में लाभ मिलता है। बीटी न्यूज बिहार के लिए बेगूसराय से कुमार गौरव की रिपोर्ट। पहले से बनल था उतने किया है, नया में क्या क्या किया? नया में कुछ नहीं, एक इंच ढाला है बस। दूगो सिर्फ पिलर बनाया है, वो भीतर जो प्लास्टर हुआ पूरा हुआ? प्लास्टर करवे नहीं किया, 10 फीट किया। कुआं की सफाई की गई? नहीं, एको रत्ती नहीं, एक दो पानी भी नहीं निकालना। के बारे में पता चला है कि बाहर से लोग आते हैं इस कुआं का पानी पीने के लिए, क्यों आते हैं? जी, एक पचे के जाए वही खातिर आवे छै। कहां कहां से लोग आते हैं? पटना तक से लोग आवे है पियल। मतलब इतना विशेषता है इस कुआं का, इसका पानी ठीक हो जाता है? हां, ठीक हो जाए, जॉन्डिस भी छूट जाए। जॉन्डिस हम हमने